बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूँ कोकब। नथिंग स्पेशल, आज भी घर के लिए कस्टर्ड बनाते हुए आपको फिर से अपने साथ शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ कोकब। कैसे हैं आप लोग? देचकी में 2 किलो दूध लिया है और उसको मैंने गर्म होने के लिए रखा है, और जो भी मलाई मेरे पास थी वो मलाई भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और कस्टर्ड के इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें हमें चाहिए वो है चीनी, जो आधा कप है मेरे पास, 10 खाने के चम्मच भी आप कह सकते हैं, बाकी अप टू यू है कि आप लाइट खाते हैं या तेज़ मीठा खाते हैं। दूध है ये मेरे पास 1 कप, इसमें मैं, ये मेरे पास वनीला कस्टर्ड है रुफान की कंपनी का, तो कस्टर्ड पाउडर जो है वो इसमें हम 3 बड़े खाने के चम्मच जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम कस्टर्ड की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे पाउडर की तो कस्टर्ड जल्दी तैयार हो जाएगा, मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा। जितना ज़्यादा कस्टर्ड पकेगा उतना ही अच्छा उसका दूध का टेस्ट आएगा उसके अंदर। अब हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दूध जो है वो आप देख सकते हैं बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, अब हम जो कस्टर्ड पाउडर है वो दूध में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, और बॉयल दूध में चम्मच चलाते हुए इसको साथ में डालेंगे, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसकी फुटियाँ सी बन जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड करके अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता करके कस्टर्ड को इसके अंदर इस लिक्विड को ऐड करेंगे, साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे। आई एम सॉरी कि स्लो प्रोसेस हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरा कैमरा स्टैंड, मैं शायद आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, टूट चुका है, और मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल रहा कि मैं परचेज़ कर लूँ न्यू, तो एक हाथ से वीडियो और एक हाथ से वर्किंग जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है मेरे लिए, थोड़ी सी नहीं बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो प्रोसेस आपको 1 बाय 1 बताने होते हैं उनको करते हुए मेरे लिए थोड़ा सा मुझे उसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन शुक्र अल्लाह का हो रहा है मैनेज। ये हम इसमें डाल चुके हैं कस्टर्ड सारा जो हमने पाउडर दूध में मिक्स करके उसका मेज़ा तैयार किया था। अब हम इसको पकाएंगे जब तक ये, अभी देखेंगे कितना पतला है, तो ये पकेगा जब तक ये थिक नहीं हो जाता, और इसमें चम्मच मुतवातर चलाएंगे हम बार बार, ताकि कस्टर्ड जो है वो पेंदे के साथ लग ना जाए। आप देख सकते हैं कस्टर्ड अभी काफ़ी पतला है, इसको हम हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि दूध गाढ़ा होके अपना टेस्ट छोड़े इसके अंदर। आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बाज़ार की ट्राइफल की तरह बना सकते हैं आप इसको, फल ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपने फल ऐड करना है उसका जो तरीका है पकाने का और उसको तैयार करने का वो थोड़ा सा चेंज है। जो आपने कस्टर्ड को ठंडा करना है वो आपने डायरेक्ट फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, बर्फ़ को तोड़ के उसके बीच में आपने कस्टर्ड का बाउल रख के उसको ठंडा करना है, और फिर उसके अंदर फल जो है वो ऐड होगा। और ये देखें कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा हो रहा है, इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। मैंने आपके सामने देखे दूध कितना ज़्यादा लिया था, और ये भी मज़ीद पकेगा, वो भी कस्टर्ड बनता है जो 2 मिनट में तैयार हो जाता है, उसमें हम कस्टर्ड पाउडर जो है वो ज़्यादा ऐड करते हैं, और 2 मिनट के बाद वो कस्टर्ड जो है वो ठीक हो जाता है, मगर उसका टेस्ट जो है वो इतना ख़ास नहीं आता।
और ये कस्टर्ड जो है रेडी हो चुका है, इसके बबल्स से पता चल गया। देखिए कितना थिक हो चुका है ये। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे और ये कस्टर्ड जो है वो डिश आउट कर दिया है। इसके मैंने गार्निशिंग पिस्ते की है और ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कोकोनट पाउडर जो है वो ऐड करूँगी और ये मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार है। कस्टर्ड बनाना सबको ही आता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी डिश को ट्राई कीजिएगा। जिनको नहीं आता वो इस डिश को ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।